नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में उन्नाव कांड की पीड़िता से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर के बाहर से, जहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं उन्नाव में पीड़िता का हालचाल लेने के लिए। आपको बता दें, दो दिन पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी पीड़िता, और साथ ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई है। पीड़िता और वकील की हालत गंभीर है, और अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। और इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हैं मिलने के लिए। इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जितनी भी माताएं बहने हैं उन्हें झकझोर दिया है। क्या आज के समय में भी ऐसी चीजें होना संभव है कि जहां बेटी अपने न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए, न्याय के लिए अगर वो जा रही है, पुलिस से मांग कर रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। इसी उत्तर प्रदेश ने देश के राष्ट्रपति दिए हैं, और ये घटना तब हुई है जब लखनऊ में देश के होम मिनिस्टर थे। और सोचो, अगर एक योगी मुख्यमंत्री हो, उसके कार्यकाल में ऐसी घटना हो जाए, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुलिस है, जिम्मेदार सरकार है। तो आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बताओ, अस्पताल के अंदर पीड़िता जान से जान बचेगी कि नहीं बचेगी? अपने जीवन से लड़ाई लड़ रही है, उसके माँ बाप बाहर बैठ करके, माँ बाप तो नहीं है, उसके परिवार के सदस्य लोग बैठ करके यहाँ पर मांग करने के, उनका जो सदस्य है परिवार का, कम से कम वो तो बाहर आ जाए। क्या गुनाह कर रहा है परिवार, ये बताओ। हम तो कहते हैं सरकार को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि जनता ने बहुत भरोसा कर करके सरकार बनवाई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी उसका नागरिक दुख तकलीफ में न रहे। और जब बेटी दुख तकलीफ में होगी तो सोचो कौन न्याय देगा। यू कैन नेवर ट्रस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, क्योंकि उनकी जानकारी में सब कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है, क्या उन्हें नहीं पता होगा? पर समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है पहले दिन से। मुझे याद है कि जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले समाजवादी लोग इसके परिवार से मिलने आए, और जो कुछ कर सकते हैं मदद कर रहे हैं, और लगातार इस परिवार के साथ खड़े दिखाई देंगे समाजवादी लोग। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।